आज मैं फिर से रीटेस्ट देने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से रीटेस्ट एग्जाम दे सकते हो। तो सिंपल, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फुल स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फी पेमेंट्स पे क्लिक करना है आपको। और फिर फी पेमेंट के पे क्लिक करने के बाद ई पेमेंट में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रीटेस्ट फी का। सिंपल आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है एंड डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। सिंपल अभी मैं क्लिक करता हूँ क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सिर्फ 50 रुपीज का पेमेंट करना है, बाकी जो मेरा पेमेंट है ऑलरेडी मैंने पेमेंट किया हुआ है। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। सिंपल पेमेंट ऑफ गेटवे SBI ईपे कर देना है। उसके बाद एक कैप्चा डालना है आपको। कैप्चा डालने के बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना है पे नाउ पे। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे। या फिर फ्रेंड्स आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम, यूपीआई, जिस भी टाइप से आपको पेमेंट करना है सिंपल कर देना है। तो मैं करने वाला हूँ यूपीआई से। तो चलिए मैं अपना यूपीआई डाल देता हूँ इधर। यूपीआई डालने के बाद सिंपल आपको क्लिक कर देना है पे नाउ पे। तो अभी फ्रेंड्स मुझे एक फोन पे पे रिक्वेस्ट आ गया है, तो चलिए मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ 50 रुपए का। वेट करेंगे थोड़ा सा, देख सकते हो रिडायरेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, कोई बात नहीं। तो ऐसा शो करेगा बट मुझे मैसेज आ गया है और मैसेज में जो टेस्ट के लिए पासवर्ड वगैरह भी आ गया है मुझे। चलिए मैं अभी टेस्ट दे देते हैं। सिंपल होम पे चलते हैं। अभी हम होम पे आने के बाद सिंपल आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन स्टेटस पे। यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो पेमेंट स्टेटस है 6 तारीख को, यानी अभी मैंने कर दिया है, कम्प्लीटेड हो गया है। स्टेटस देख सकते हो कम्प्लीटेड दिखा रहा है। और जो 5 तारीख को दिया था हमने तो इसमें हम फेल हो गए थे। कोई बात नहीं, चलिए आज हम फिर से दे देते हैं टेस्ट। तो टेस्ट देने के लिए सिंपल आपको क्लिक कर देना है क्लिक हेयर फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है एंड जो आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आया हुआ मैसेज में वो पासवर्ड डाल देना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। सिंपल अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ प्रोसीड पे। तो यहाँ पे अभी प्रोसीड कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नाम वगैरह आपका आ जाएगा। चलिए मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो सिंपल आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एग्री कर देना है आपको एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। हमें एक्चुअली पासिंग के लिए 9 मार्क्स है, जो कि यहाँ पे स्कोर देख सकते हो 9 हो गए। अभी हमारा रॉन्ग भी हो जाए तो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं है। लर्नर लाइसेंस के लिए टेस्ट है, उसमें हम पास हो गए और जो हमारा लाइसेंस है वो भी हमें मोबाइल नंबर पे मैसेज में आ गया है। तो गाइस इस टाइप से अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो दोबारा से आप रीटेस्ट के लिए अप्लाई करके और उसके बाद आप इजीली इस टाइप से टेस्ट दे सकते हो। और गाइस और यहाँ पे हमारा लाइसेंस नंबर देख सकते हो, ये लाइसेंस नंबर है। और अप्लाइड जो कि मैंने LMB एंड मोटरसाइकिल विद गियर दोनों के लिए किया था। और क्लिक हेयर टू प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। तो मुझे अभी मोबाइल पे OTP आ गया है, OTP डाल देता हूँ मैं, सबमिट। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा लाइसेंस है वो बन के रेडी हो गया है। लर्नर लाइसेंस बना हुआ है मेरा, तो देख सकते हो ये रहा 4 व्हीलर।
यानी टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर दोनों के लिए किया था, तो दोनों का मन के रेडी हो गया है। इस टाइप से फ्रेंड्स आप प्रिंट कर सकते हो इसका। तो बस फ्रेंड्स आज का वीडियो यही था। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।